दोस्तों अभी आप साइट में देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से हमें 3 लाख रुपए तक का लोन ऑफर किया गया है। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं इस लोन के बारे में सारी जानकारी। अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आज हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं इस लोन की। और दोस्तों इस लोन का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड लोन। तो क्रेडिट कार्ड लोन किस प्रकार से हम लेते हैं, इसका इंटरेस्ट कितना लगता है, टाइम कितना मिलता है हमारे लिए, बिल्कुल सारी जानकारी मिलेगी। कब तक हमारे अकाउंट पैसा हमको आ जाता है, बिना इनकम प्रूफ के मिलेगा। अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक में घर बैठे बैठे लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो लाइक जरूर कर देना। गाइस, कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का एक 811 या फिर कोई सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक का कोई अकाउंट नहीं है तो हम आपके लिए लिंक डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक का 811 बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो के वासी के माध्यम से घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में ये अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा और इंस्टेंट सारी सर्विस का लाभ आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है तो आपको 811 एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपके होम स्क्रीन पर इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा 811 एप्लीकेशन में। अब सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आपको प्रे अप्रूव लोन का ऑफर मिला है कि नहीं मिला है। तो इसके लिए आपको देखिए यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा लोन एंड क्रेडिट कार्ड ऑफर का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन हो सकता है कि आपको नीचे मिल सकता है कहीं पर या फिर ऊपर मिल सकता है। अगर ये लोन एंड क्रेडिट कार्ड ऑफर का ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलता है तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। तो एक बार हम लोन एंड क्रेडिट कार्ड ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे गाइस यहां पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी ऑफर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आपको मिले होंगे प्री अप्रूव या प्री क्वालिफाई, वो यहां पर आपको दिखाई देंगे। हमारे केस में देखिए यहां पर हमें कोटक महिंद्रा बैंक के 811 अकाउंट पे 4 ऑफर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर हमें मिल रहा है पर्सनल लोन का ऑफर 3 लाख रुपए तक का। सेकंड हमारा ऑफर है वो है 29,000 रुपए तक का क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज का। तीसरा हमारा ऑफर है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का 86,000 रुपए का। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है स्मार्ट ईएमआई कार्ड का। तो हमारे पास 4 ऑफर अवेलेबल है यहां पर। अब आपके पास हो सकता है कि यहां पर एक भी ऑफर आपको मिल सकता है या फिर 2, 4, 5 जितने के लिए आप इलिजिबल होंगे उतने ऑफर यहां पर आपके लिए शो हो सकते हैं। और जो भी यहां पर ये ऑफर आपको दिख रहे हैं ये ऑफर समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं। यहां पर देखिए डेट भी आपको दिखाई देगी कि ये सारे ऑफर कितनी तारीख तक के लिए वैलिड है, यानी इससे पहले अगर आप इन ऑफर को नहीं लेते हैं तो ये ऑफर यहां से एक्सपायर भी हो सकते हैं। इसके बाद दोबारा से आपको ऑफर फिर मिलते रहेंगे। तो हम आज की इस वीडियो में पर्सनल लोन की बात करने वाले हैं। तो हमारे लिए ऊपर एक लोन का ऑफर मिला हुआ है पर्सनल लोन ऑन सीसी, तो हमारे लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे गाइस यहां पर अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट करके हमें देखिए इस प्रकार के पेज पर लेकर के आएगा। एक बात हम आपको बता दें कि जो यहां पर हमारे लिए ये लोन का ऑफर मिला है ये मिला हुआ है क्रेडिट कार्ड पर, लेकिन क्रेडिट कार्ड का तो एक नाम है, हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है केवल 25,000 रुपए और यहां पर जो लोन का ऑफर में मिला हुआ है वो मिला हुआ है 3 लाख रुपए का। तो मतलब ये क्रेडिट कार्ड के नाम पर ये दे रहे हैं ताकि कैसे ना कैसे करके कस्टमर हमारा लोन ले ले। तो यहां पर पर्सनल लोन है सीधा समझिए आप, क्रेडिट कार्ड का तो इन्होंने एक नाम रख दिया बस उसका। अब 25,000 रुपए क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, उसके बेस पर हमारे लिए 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन का ऑफर दिया गया है। बस नाम इसका है क्रेडिट कार्ड लोन, बाकी का ये पर्सनल लोन ही आप इसको समझ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको लोन का ऑफर नहीं मिलेगा। बहुत सारे हमारे पास इस प्रकार के ऑफर कोटक महिंद्रा बैंक देता रहता है जिसमें हमें विदाउट क्रेडिट कार्ड के भी पर्सनल लोन के ऑफर आते रहते हैं। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भी आपको ऐसा ऑफर मिल सकता है, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तब भी आपको लोन का ऑफर मिल सकता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड अगर नहीं है तो आप 811 अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो काफी ज्यादा चांस है कि आपको 2-4 महीने में ही क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव ऑफर मिल जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक में। हमें भी इस क्रेडिट कार्ड का ऑफर प्री अप्रूव ही कोटक महिंद्रा बैंक ने दिया था। अगर हम लोन की बात करते हैं, देखिए यहां पर हमारा जो लोन का अमाउंट है वो हमें दिया गया है 3 लाख रुपए तक का। अब ऐसा नहीं है कि हमें 3 लाख रुपए ही लोन लेना पड़ेगा, जितना लोन का अमाउंट आपको लेना है आप यहां पर अपने हिसाब से उतना यहां पर डाल सकते हो। जैसे हम 1 लाख रुपए कर देते हैं इसको। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको टाइम का, यानी कि कितने समय के लिए आप ये लोन लेना चाहते हैं। तो यहां पर आपको 6 महीने से लेकर के 60 महीने तक का ऑप्शन मिलेगा, यानी इतने टाइम के अंदर अंदर में कोई भी अपनी आप मंथ सिलेक्ट करके ईएमआई को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम इसके लिए 12 मंथ कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंटरेस्ट आपको दिखा देगा। अब यहां पर देखो इंटरेस्ट हमारा लग रहा है 18% पर एनम का। इसके बाद यहां पर आपको प्रोसेसिंग फीस भी देने पड़ेगा, तो प्रोसेसिंग फीस यहां पर ये दिखा देगा। हमारा प्रोसेसिंग फीस लग रहा है भाई साहब यहां पर 1 लाख रुपए पर
1500 रुपए का। तो यहाँ पर आप जितना अमाउंट लेंगे उसके हिसाब से प्रोसेस फीस आपका लिया जाएगा। अगर हम ईएमआई की बात करते हैं तो पर मंथ हमारे लिए 9168 रुपए देना पड़ेगा, यानी कि हर महीने हमारे अकाउंट से 9168 रुपए कटेगा, ठीक है। और जो ईएमआई यहां पर आपका कटेगा, ये ईएमआई बनेगा आपका क्रेडिट कार्ड से। अब यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब कि ये जो लोन है हमारा क्रेडिट कार्ड का लोन है भाई। तो जो यहां पर हम लोन लेंगे, मान लो 1 लाख रुपए का ले लिया हमने, 2 लाख का ले लिया, 3 लाख तक जो भी आपको ऑफर मिला होगा उतने का लोन आपने ले लिया, तो ईएमआई आपका अलग से नहीं बनेगा, आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ईएमआई बन के आएगा। तो आपकी यहां पर जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। इसके बाद नीचे यहां पर आपको दिखा देगा सब कुछ, यहां पर ईएमआई बनेगी हमारी 9168 रुपए की पर मंथ, और ये हमारे लिए 12 महीने तक भरनी पड़ेगी। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैंक डिटेल का, ट्रांसफर फंड टू। तो यहां पर आप चाहें तो कोटक महिंद्रा बैंक में ही जो आपका खाता है अभी आप यूज कर रहे हैं, इस वाले खाते में ही आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दूसरे खाते में चाहिए तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर सारी बैंकें आपको मिल जाएंगी। आपको जिस बैंक में खाता है, जिस बैंक में आप इस लोन को पैसे को लेना चाहते हैं, उसको यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना यहां पर यह है कि अगर आपको लोन चाहिए तो काफी ज्यादा चांस है कि आप अगर यही वाला बैंक सिलेक्ट कर दो अपना कोटक महिंद्रा बैंक, तो आपको जो लोन है बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में इसको ले लेना, ठीक है। इसके बाद यहां पर आईएफएससी कोड आपको डाल देना है अगर ये मांगता है तो, वैसे यहां पर नहीं मांगेगा क्योंकि आपका अकाउंट है। इसके बाद यहां पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो अकाउंट नंबर क्या है, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे यहां से। इसके बाद यहां पर कंफर्म अकाउंट नंबर पे ये ऑटोमेटिक यहां पर ले लेगा। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे गाइस यहां पर आप अपना अमाउंट टाइम चुन के सब कुछ डाल करके सबमिट करेंगे, तो यहां पर इसका जो रिक्वेस्ट है ये कोटक महिंद्रा बैंक तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आपको 7 वर्किंग डे का वेट करना पड़ेगा। 7 वर्किंग डे के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक इसको रिव्यू करेगा, वेरीफाई करेगा और आपकी प्रोफाइल को देखेगा, इसके हिसाब से आपको लोन का ऑफर अप्रूव कर देगा। और इस प्रकार के लोन जो प्री अप्रूव या प्री क्वालिफाई मिलते हैं, इनके अधिकतर चांस होते हैं कि आपको मिल ही जाते हैं। और इस लोन को लेने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, यानी कि जो लोन का ऑफर आपको प्रे अप्रूव या प्रे क्वालिफाई मिला है, तो आपको किसी प्रकार का जो इनकम प्रूफ है वो अधिकतर नहीं लगता है। बिना इनकम प्रूफ के ही बैंक आपको ये लोन दे देता है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपका और हो रहा होगा कि भाई साहब जो लोन का ऑफर हमें मिला हुआ है क्रेडिट कार्ड पर, यानी क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो क्या हमारे क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उस पर कुछ असर पड़ेगा इसका? तो आपके क्रेडिट कार्ड पर इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। ये केवल आपके क्रेडिट कार्ड के व्यापार पर आपको लोन का ऑफर दे रहे हैं। तो अगर आपको इस प्रकार का लोन का ऑफर मिला हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो आप इस लोन को ले सकते हैं। जैसे ही आप अपना लोन यहां से अप्लाई कर देते हैं, तो 7 वर्किंग डे के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आपको एक कॉल आएगा, उसमें आपका डिटेल वेरीफाई करेंगे और फाइनली जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार से आप कोटक महिंद्रा बैंक में क्रेडिट कार्ड पर लोन ले सकते हैं। आई होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।